So women are special because they give life, right? It doesn't matter where they work at home or they work in an office or anywhere else. They're always going to be special because wo kitne sare roles nibhati hain. If you go to see, wife, sister, daughter, mother, bas kitne sare aur sare roles wo dil se nibhati hain. And aise roles nibhate nibhate isi chakkar mein mujhe up down karna padta hai Mumbai, Kashmir, jaisi meri friend ne abhi bataya aap logon ko. क्योंकि हम सारे रिश्ते दिल से निभाते हैं, राइट? सो टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट द वुमेन ऑफ कश्मीर. व्हाई आर द वुमेन ऑफ कश्मीर सो स्पेशल? बिकॉज डिस्पाइट द न्यूमरस प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन कश्मीर, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रॉमा, हड़ताल, इंटरनेट शटडाउन्स, हार्श विंटर्स, लोड शेडिंग, पावर कट्स, उसके बाद भी इन लोगों ने संघर्ष किया, ये लड़ती रही और अपने अपने फील्ड्स में एक्सेल किया. ये कोई छोटी बात नहीं है. सो दे एक्सेल्ड इन फील्ड्स लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स, कैलीग्राफी, राइटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, डांस, ब्राइडल मेकअप, एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग, क्विजीन, कुकिंग, इंटीरियर डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, यू नेम इट एंड यू विल फाइंड अ कश्मीरी वुमेन्स नेम देयर. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. व्हेन वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स, वी थिंक ऑफ ताजमहल इस्लाम, इशरत अख्तर, ऑटोमेटिकली ना माइंड में आ जाती है ये नाम. व्हेन वी थिंक ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, सहरी शसगर. व्हेन वी थिंक ऑफ पायलट, सामियाना मैम. व्हेन वी थिंक ऑफ लॉयर, शबनम गनी लोन. व्हेन वी थिंक ऑफ डॉक्टर, शर्मीन मुश्ताक, जो बाय द वे स्नो कार रेसर भी है. सो कश्मीरी औरतों की खासियत है दे आर मल्टी टास्कर्स. हाँ, एक में कुछ नहीं थे एंड दे डू बोथ द टास्क विद एक्सलेंस. व्हेन वी थिंक ऑफ पॉलिटिक्स, जावेद साहब ने तो पुरानी बातें की, आज के दौर में ही देख लो, महबूबा मुफ्ती जी. सो यू नो व्हेन वी थिंक ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल, देयर इज रुखसार सैयद शाह, जो मेरे माइंड में आती है, शायद आपके माइंड में कोई और आती होगी. शी इज द फर्स्ट लेडी कश्मीरी वुमन इन कश्मीर टू स्टार्ट फ्रोजन फूड्स का फास्ट चेन. सो लुक एट द आइडियाज दैट कम इन देयर माइंड्स, अलग अलग आइडियाज. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कश्मीरी सोसाइटी. Let me tell you this. Reason being के एक मुस्लिम सोसाइटी होकर भी, मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट है हमारा, ये होकर भी यहां लड़के लड़कियों में फर्क नहीं किया जाता. यहां के फादर्स गरीब हो या अमीर, अपना खून पसीना लगा देते हैं बेटियों को पढ़ाने में. मैं खुद ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूं जहां औरतों को हाईली एम्पावर, एजुकेट और सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है. एंड मैं दुआ करूंगी कि हर किसी को मेरी जैसी फैमिली मिले, माशाल्लाह. At the same time, I hope कि as women हम अपने men को भी appreciate करें. That's very important. क्योंकि अपनी बीवी, माँ, बहन, इनके चेहरों पे एक मुस्कान लाने के लिए ये अपनी जान निसार कर देते हैं. So please give a big hand to the men who are present here. You know, हमें इस जालिम दुनिया से बचा के रखने के लिए ये कुछ भी कर जाते हैं. They are always trying to protect us. ये खुद की भी नहीं सोचते. कई बार ये अपने सपने सैक्रिफाइस कर लेते हैं ताकि हमारे सपने साकार हो. यू नो, सो वी मस्ट ऑलवेज अप्रिशिएट अ मैन. हमारा फर्ज बनता है कि इनको भी हम अप्रिशिएट करें और इनको ये ना हो कि हम इंडिपेंडेंट बन जाएं और उसके बाद अपने फादर्स और ब्रदर्स को डिसरिस्पेक्ट करने लगे. वी शुड डू दैट. सो जैसे मैं कह रही थी अबाउट पॉलिटिक्स, जैसे जावेद साहब ने कहा, इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया में वुमेन पहले से एम्पावर्ड है. इट्स ट्रू. एंड ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जो खुद को वुमेन्स एम्पावरमेंट के नुमाइंदा कहते हैं, आप सोचिए आज तक यूएसए में एक भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी, जबकि वो इस्लामिक सोसाइटीज को रिग्रेसिव कहते हैं. और हमारे यहाँ ऑलरेडी महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर बन चुकी है और हमारे इंडिया में ऑलरेडी 4 दशक पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है जो लेडी थी, दैट इज इंदिरा गांधी. So you can imagine, please give a big hand to our country, give a big hand to Jammu and Kashmir society, that we are highly empowered right from the beginning and the Western countries do not need to teach us how to be empowered. लिए हम ये deny नहीं कर सकते कि आज भी यहाँ crimes होते हैं against women, dowry deaths, domestic violence, रेप्स, एसिड अटैक्स, यस आज भी होते हैं. हम डिनाई नहीं, हम डिनाइल मोड में तो नहीं रह सकते.
मगर स्टिल अगर आप इसी इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो क्या आपको पता है कि कनाडा में इंडिया से 5 गुना ज्यादा रेप केसेस हैं और उनका पॉपुलेशन हमसे 5 गुना कम है. सो यू कैन इमेजिन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल जेके यूथ सोसाइटी विच इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट आई एम प्राउड कि आज हमारे बीच इतने बेहतरीन वुमेन अचीवर्स प्रेजेंट हैं. हमने ऑल जेके यूथ सोसाइटी की तरफ से कई छोटी छोटी कोशिशें की है वुमेन को एनकरेज करने की, अपनी तरह से उनको एम्पावर करने की. बुक लॉन्चेस ऑर्गेनाइज की, स्पोर्ट्स वुमेन को मीडिया प्लेटफॉर्म दिया, एस्पायरिंग मॉडल्स, ड्रेस डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट और इन जैसे फाइन आर्ट्स वालों के लिए हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज किया. नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह की मर्जी हो तो नेक्स्ट इन द लाइन इज कि हम एक इस्लामिक आर्ट कैलीग्राफी इवेंट लाइक अ पेंटिंग जिसे कहते हैं पेंटिंग इवेंट लाइक अ गैलरी जिसे कहते हैं हम वो प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमारे नूक एंड कॉर्नर में कश्मीर में माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस्लामिक कैलीग्राफी पेंटिंग करती हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा. एंड एडवांस में आज के विनर्स को मैं ऑल जेके यूथ सोसाइटी की तरफ से कंग्रेचुलेशंस करती हूँ और जिनको अवार्ड नहीं भी मिले वो भी किसी तरह से कम नहीं है, किसी तरह से वो ऐसे नहीं है कि वो अचीवर्स नहीं है. वी आर ऑल वुमेन एंड वी आर हैप्पी फॉर ईच अदर एंड वी स्टैंड यूनाइटेड इन ईच अदर सक्सेस. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस.